नमस्कार, मैं हूं ज्योति बिष्ट। आप देख रहे हैं भारत फोकस न्यूज। मिर्जापुर पहुंचे प्रभारी मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने मजिस्ट्रेट कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की, समस्याओं के संबंध में चर्चा की। इसके बाद उन्होंने विंध्याचल पहुंचकर मां विंध्यावासिनी का दर्शन पूजन भी किया। पत्रकारों से वार्ता के दौरान सपा अवस्था पर रहे हमलावर कहा, सरकार के पास जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु धन की कोई कमी नहीं है। मिर्जापुर के प्रभारी मंत्री नंद गोपाल गुप्ता आज अपने मिर्जापुर दौरे पर थे। उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर जनपद की समस्याओं पर चर्चा की। बैठक के बाद विंध्याचल पहुंचे और मां विंध्यावासिनी का दर्शन पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया। वहीं पत्रकारों से वार्ता करते हुए वह सपा बसपा पर हुए हमलावर। उन्होंने कहा कि इन दोनों पार्टियों का एक ही एजेंडा है कि कैसे वोट बढ़ें और कैसे नोट बढ़ें। 100 करोड़ के काम के लिए 200 का टेंडर करना और 50 करोड़ पार्टी फंड तथा 50 करोड़ पार्टी से जुड़े लोगों के जेब में जाता था। इन दोनों पार्टियों ने कभी नहीं चाहा कि प्रदेश में अच्छी सड़क हो, अच्छे हॉस्पिटल हो और अच्छी इंडस्ट्रीज लगे। उन्होंने कहा कि 2017 से 2022 में प्रदेश उत्तम प्रदेश बना और अब उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। हम और हमारी पार्टी केवल चुनाव के लिए काम नहीं करती, बल्कि 24 घंटे और 7 दिन काम करते रहते हैं। हमारे विधायक जागरूक हैं और जहां भी गड़बड़ी होती है उस पर नज़र रखते हैं। अभी बैठक में प्रकाश में आया है कि एक ठेकेदार जिसने 1 किलोमीटर सड़क बनाने का ठेका लिया था, 700 मीटर ही सड़क बनाया और पैसा लेकर फरार हो गया है। ऐसे में इसे भगाने वाले ठेकेदारों के खिलाफ तो कार्रवाई तो होगी ही, वह अधिकारी भी सस्पेंड होंगे जिन्होंने उसे पैसे और प्रसय देने का काम किया है। सिर्फ FIR ही नहीं होगी, जेल भी भेजे जाएंगे और उन्हें ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा ताकि वह भविष्य में कहीं काम न कर सकें। सरकार के पास जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन की कोई कमी नहीं है और उन्हें धरातल पर लाने के लिए हम पूरी तरह से काम कर रहे हैं। सड़कें कब तक गड्ढा मुक्त होगी के सवाल पर बोले कि जो सड़कें बनती हैं उनकी गुणवत्ता का ख्याल रखा जाता है। अगर वह सड़क बीच में ख़राब होती है तो ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। विधानसभा उपचुनाव में किसे टिकट मिलेगा के सवाल पर कुछ भी नहीं बोल और उठकर चले गए। कोई विधायक नाराजगी नहीं जताई, पहले तो ये जान लीजिए। आप और हम सब प्रत्यक्ष गवाह हैं इस बात के कि चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो चाहे बसपा की सरकार रही हो, इन लोगों का एजेंडा कभी नहीं रहा कि अच्छी सड़कें रहें, कभी एजेंडा नहीं रहा कि अच्छे हॉस्पिटल हों, कभी एजेंडा नहीं रहा कि इंडस्ट्री आए। हमेशा और हमेशा एजेंडा ये रहा कि कैसे वोट बढ़े और कैसे नोट बढ़े। चाहे बसपा हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, सड़कों का टेंडर कैसे 100 करोड़ की सड़क को 200 करोड़ का बना करके अपने किसी आदमी को दिला दें और 50 करोड़ पार्टी फंड ले लें, 50 करोड़ कार्यकर्ता को या पार्टी के नेता को कमवा दें। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना, सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर। आप देख रहे होंगे कि देश ही नहीं दुनिया के तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां, देश के बड़े उद्योग घराने उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हैं। रोज डेली दो चार फैक्ट्रियों का उद्घाटन देख रहे हैं, हजार करोड़ रुपए के निवेश आ रहे हैं। हम केवल चुनाव के लिए काम नहीं करते, हम 24 घंटे 7 दिन काम करते हैं। हमारे जनप्रतिनिधिगण जो आप अभी नाराजगी बता रहे थे, इनकी जागरूकता है कि वो जागरूक होकर के सभी चीज़ों पर नज़र रखते हैं, कहीं भी कोई भी गड़बड़ करेगा। अभी हमने DM साहब से कहा है, कुछ बातें आई थी तो उसकी जांच करा करके माननीय विधायक जी ने बताया कि 1 किलोमीटर सड़क की अनुराग जी ने 1 किलोमीटर सड़क बनानी थी, 700 मीटर बना करके ठेकेदार भाग गया। तो ठेकेदार अगर भाग गया और पैसा पूरा ले लिया है तो ठेकेदार के खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही होगी, अधिकारी भी सस्पेंड होगा जिन्होंने उसको परसय देने का काम किया, जिन्होंने उसको पैसे देने का काम किया, और केवल FIR नहीं होगी, जेल भी भेजा जाएगा और उसको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा ताकि आगे उत्तर प्रदेश में कभी वो काम ना कर सके। मेरी बात सुन लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ट्विटर पर ट्वीट करके विधायकों की, मंत्रियों की, जो भी जिले की समीक्षा की बैठक लेने जाते हैं और हम लोगों को प्रभारी मंत्री के तौर पर उनके टाइम टाइम पर निर्देश मिलते रहते हैं। सरकार के पास अच्छे काम के लिए, जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है।
सरकार हर जनकल्याणकारी काम को धरातल पर उतारने के लिए काम कर रही है और धरातल पर उतारेंगे। और मैं भी प्रभारी मंत्री के रूप में हर महीने दो दिन लगभग मेरी कोशिश रहती है कि हर महीने दो दिन मैं यहाँ रह करके जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, अंतिम गांव तक पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे।